Hello everyone, welcome to this session of Testbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So itne number of doubts hai ki ma'am election aayega, even aap khud bhi YouTube ke comments mein bhi check karte hain ki election ki wajah se exam postponed hoga ya fir kya iske andar scenario hoga. और उसके साथ साथ बहुत सारे rumors ये भी थी कि जो NTA है वो अपना जो exam है उसको भी कहीं ना कहीं अगर in case आप लोगों ने election के अंदर voting किया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों को entry ना मिले. ठीक है, तो ऐसी rumors बहुत सारी social media पे आप लोगों ने देखा होगा. इसी के रिगार्डिंग NTA ने क्लैरिफिकेशन दिया है. सबसे पहले चीज तो इससे आपको ये क्लैरिटी आएगी कि क्या ये एग्जाम आपका पोस्टपोन होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन के अंदर, ठीक है, और उनके फिंगर अगर इंक्ड हैं तो क्या उनको एग्जाम के अंदर एंट्री मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी. तो ये अलग अलग जो दो डाउट्स है स्टूडेंट्स के, वहां पर अभी NTA ने इसके ऊपर क्लैरिटी दे दिया है. आप देख सकते हैं ये 9th of April का नोटिस है जिसमें स्पेशली बोला गया है नो इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी फॉर वोटर्स इन जनरल इलेक्शन. ठीक है, इट हैज बीन रिपोर्टेड टू द NTA दैट देयर आर मैसेजेस सर्कुलेटिंग इन सोशल मीडिया क्लेमिंग दैट इंडिविजुअल हु वोट इन जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एंड हैव देयर फिंगर इंक, अगर उनकी फिंगर पे इंक है, will be prohibited from entering examination hall. मतलब अगर इस तरीके का कोई सीन है तो उनको एग्जामिनेशन के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी. ठीक है, जो भी एंटी एग्जाम कंडक्ट करेगा, चाहे वो नेट का एग्जाम है, चाहे वो नीट एग्जाम है, या अलग अलग जो भी एग्जाम से कंडक्ट करता है. Above messages are completely baseless and no NTA has not issued any such instruction or guidelines. Students are requested not to pay heed to such rumors. इन सारे rumors पे ध्यान ना दे एंड एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट. जो भी आपका वोटिंग राइट है उसको जरूर यूटिलाइज करें. वोटिंग विल नॉट अफेक्ट देयर एलिजिबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन. मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी फिंगर इंक्ड है तो आपको वहां पर एंट्री बैन कर दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा. कैंडिडेट आर एडवाइज टू फोकस ऑन देयर स्टडीज एंड प्रिपेयर फॉर द फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन. मतलब ऐसा नहीं है कि ये अभी, जैसे कि प्रद्युमन सर ने भी अपनी वीडियो में बताया था, उन्होंने विजिट भी किया था NTA ऑफिस में, कि अभी क्योंकि कैटेगरी वाइज आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट आएगा, कैटेगरी वाइज आपका फॉर्म भी अकॉर्डिंगली फिल होना है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फॉर्म में भी चेंजेस होंगे, तो बहुत जल्द वो नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे. तो एग्जामिनेशन जो डेट उन्होंने अनाउंस कर रखी है तो यहाँ पर स्पेशली बोला गया है, ठीक है, फोकस ऑन देयर स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन. जो भी आप लोगों के एग्जामिनेशन है आप उसके ऊपर फोकस करिए, राइट. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्शन आएगा तो आप लोगों इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, वोटिंग राइट अपना नहीं यूटिलाइज कर पाओगे, या फिर इलेक्शन की वजह से आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाएगा. इन केस कोई एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन देखो हर चीज में आता है, तो कहीं ना कहीं एक आध शिफ्ट ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो हर बार कुछ ना कुछ, लाइक जैसे पिछली बार 14 का एक सेंटर पे इशू हुआ था तो उसको 19 को कर दिया था, वो एक अलग चीज आ जाती है. बट अपने आप को टारगेट देना है कि 1 जून से मैं अपने एग्जामिनेशन टाइमर के अंदर एंटर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, और अकॉर्डिंगली आप लोगों को अपने आप का सिलेबस जो है PYQ रिविजन है वो चीज को प्रायोरिटी देनी है. सो आई होप ये दोनों चीज आपको क्लियर है कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होने वाला है अगर आप माइंडसेट करके बैठे. क्योंकि कल परसों भी शॉर्ट वीडियो के नीचे स्टूडेंट का कमेंट था कि इलेक्शन की वजह से जो एग्जाम हो वो पोस्टपोन हो जाएगा. तो बेटे वो चीज डिफरेंट है, ये आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है, कैलेंडर ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द आ जाएगा. तो मेक श्योर आप टाइमली एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें और पूरा फोकस आपका स्टडी की तरफ होना चाहिए, इधर उधर की बातों पर नहीं होना चाहिए. कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो आई एम श्योर सारी फैकल्टीज आप लोगों के लिए रेडी हैं उस चीज को, जो भी इंपॉर्टेंट आता है उस चीज को अपडेट करने के लिए. बाकी अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है स्ट्रक्चर्ड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, देन यू कैन गो फॉर द सेम. और अभी सेल है जो ऑन गोइंग है, जिसमें आप लोगों को 4605 के अंदर Paper 1 plus Paper 2 आपको प्रोवाइड किया जाएगा. GRF बूस्टर कोर्स स्पेशल इसकी हाईलाइट रहेगी. इसके अलावा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं,
क्वेश्चन प्रैक्टिस है, PYQs है, स्टडी नोट्स है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड और 80 प्लस लाइव क्लासेस रहेंगी। तो अब आपके ऊपर है कि वन मंथ को किस तरीके से आप लोगों ने यूटिलाइज करना है। अप्रैल आपका आज 12th of April है, तो वो आप कैसे यूटिलाइज करते हैं 1.5 महीने को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई दिस कोड एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर अपडेट्स। लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर एवरी अपडेट, चाहे पेपर वन पेपर टू की अपडेट रहती है क्लासेस की, या फिर एक्स्ट्रा जो भी नेट की जॉब की जो भी अपडेट्स आता है उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।